युद्ध तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का जो समझौता है वो बहुत पुराना है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उस सीज फायर का सम्मान कभी नहीं किया गया। सीज फायर वायलेशन लगातार चलते रहे, उल्लंघन उसका चलता रहा, लेकिन पिछले कुछ समय में जब एक बार फिर बहुत कड़ाई से इस समझौते को अमल में लाया गया है, उसके बाद जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक बसे हुए गांव हैं वहां पर परिस्थितियां पहले से बहुत बेहतर हुई हैं। यहाँ पर तो ज्यादातर दिन हर दिन फायर होता है, एक दिन छोड़कर एक दिन, कभी रात को दिन को। इतना उधर से फायरिंग जब शुरू होती है तो अंधाधुंध फायरिंग चलती है। यहाँ गोले पड़ रहे थे 2002 में 4-6 में, तो अभी बहुत ठीक है। 25 फरवरी 2021 को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच युद्ध विराम पर एक समझौता हुआ, जिसमें निर्णय लिया गया कि दोनों तरफ से गोलीबारी पूरी तरीके से बंद रहेगी, निषेध रहेगी। 2 साल से ऊपर का वक्त गुजरने के बाद हमने सरहदी इलाकों से लगे गांवों में हालचाल का जायजा लिया। ये जो पूरा एरिया है, क्योंकि आपका लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ है, यहाँ पर जब तक सीज फायर नहीं था बहुत दिक्कतें आती होंगी, क्या अब पिछले 1.5 साल में यहाँ पर आप लोगों की लाइफ बेटर हुई है? बहुत बेटर हुई है 1.5 साल में। हाँ। जब तक फायरिंग वायलेशन नहीं था तब तो बहुत यहाँ प्रॉब्लम थी, आना जाना हर चीज़ की प्रॉब्लम थी। जब से ये सीज़फायर हुआ है बहुत फैसिलिटी है, बहुत बेटर हुआ है यहाँ पे, आना जाना हर चीज़ का बहुत फैसिलिटी बहुत अच्छा हुआ है। जब तक ये यहाँ फायरिंग था, यहाँ से निकलना या फिर सिटी जाना या कहीं जाना, किसी किसी काम करना बहुत प्रॉब्लम था, उसमें मुश्किल था। अभी शांति, अभी शांति, अभी बेस्ट है। पहले जब जो उस टाइम बॉर्डर पे फायर का माहौल था, उस टाइम हम लोग बहुत डिस्टर्ब थे। उसका कारण था कि हमें टाइम टू टाइम जो 5 बजे से बाद कोई भी हम अपना काम या कुछ बिजनेस वगैरह कुछ नहीं कर सकते थे। पर जब से माहौल यहाँ पे पीसफुल माहौल हुआ, उसके बाद हम बिल्कुल यहाँ पे अपनी पीसफुल लाइफ में हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे जैसे श्रीनगर में G20 सम्मेलन का समय पास आ रहा है, ये आशंका भी बढ़ रही है कि पाकिस्तान किसी आतंकी साजिश के जरिए कश्मीर की गलत तस्वीर दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर सकता है। ये जो आप लोग का गांव है, ये LOC से बिल्कुल लगा हुआ, क्या जब सीज फायर नहीं था यहाँ पर तो ज्यादा परेशानी होती थी, क्या अब पहले से यहाँ की कंडीशन, यहाँ जो माहौल है बेहतर हो चुका है? एडम जी, माहौल अब बेहतर हो चुका। 2002 से यहाँ बहुत टेंशन थी, उसके बाद 2012 और 13 को काफ़ी टेंशन थी, अब माहौल साजगार है, इसमें कोई टेंशन नहीं। पिछले 1.5 साल में जैसे हमने देखा है कि यहाँ पर नहीं गोलाबारी हो रही है, तो अब ठीक है, अब कभी नहीं होता है उस तरह का, आप लोग को राहत लगता है, सुकून? हाँ ठीक है, अब सुकून है, ठीक है। यहाँ गोले पड़ रहे थे 2002 में 4-6 में, तो अभी बहुत ठीक है। हमारे लिए तो NDIA फायदेमंद है। युद्ध विराम ने स्थानीय प्रशासन को कश्मीर में विकास कार्य पूरा करने का मौका भी दिया। कम्युनिटी बंकर बनाना इसी में शामिल रहा, बंद स्कूल खुल गए, जो सड़क निर्माण कार्य या बिजली के पावर प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो पाते थे क्योंकि मशीनें बमबारी के कारण सरहदी इलाकों तक नहीं पहुंच पाती थी, वो काम अब पूरे होने लगे। G20 यहाँ पर होगा और उसमें सब बहुत इंटरेस्टेड हैं कि जम्मू कश्मीर के इलाकों में किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पर स्कूल्स में सही फैसिलिटीज हैं? हाँ जी, यहाँ पे स्कूल पे पूरी फैसिलिटीज हैं और बहुत पीसफुल माहौल है, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे डेवलपमेंट मतलब जैसे बिजली पानी ऐसी चीजें सब रहे सही से हैं? कोई इशू नहीं है पानी का, हमारे पास सब कुछ है। अभी बॉर्डर एरिया होने के बावजूद, पहाड़ी इलाका होने के बावजूद? नहीं मैम, कोई इशू नहीं है। हमारे फादर साहब के टाइम रहा इशू, हमारे साथ हमारे टाइम में इशू को नहीं रहा। अब ठीक है, सब सब कुछ बढ़िया है। आर्मी का सपोर्ट रहता है यहाँ? आर्मी का फुल सपोर्ट है यहाँ पे, आर्मी का तो बहुत फुल सपोर्ट रहता है। फुल सपोर्ट हाँ जी। और मतलब पब्लिक आर्मी के साथ, आर्मी पब्लिक बिल्कुल साथ मिलजुल के रहते हैं। मिसाल के तौर पर पुंछ के पास कांगा गांव में सड़क निर्माण कार्य पूरा हो पाया और मेंढर तहसील के दतोत गांव में पहली बार बिजली पहुंच पाई। हीरानगर सेक्टर में खेती जो अरसे से बंद पड़ी थी, किसानों के पहुंचने से दोबारा शुरू हो पाई। सीज फायर के कारण जम्मू, कठुआ और सांबा सेक्टर में 8,500 कम्युनिटी बंकरों का निर्माण पूरा किया जा सका।
इसके साथ ही सरहद से लगे इलाकों में बॉर्डर टूरिज्म पर भी विचार और मंथन संभव हो सका। युद्ध विराम भले ही लागू है लेकिन पाकिस्तान आतंकी घुसपैठ की कोशिशें लगातार करता रहता है।